गाइस, सर्दियों में शावर लेने के लिए हमें स्टोरेज गीजर की नीड होती है, लेकिन क्या किचन में बर्तन धोने के लिए या नॉर्मली हैंड वॉशिंग के लिए भी हमें स्टोरेज गीजर ही लगवाना पड़ेगा? नहीं, इस केस में आपको इंस्टेंट गीजर परचेज करना होगा। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 3000 रुपीज के अंदर ईजिली मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है यानी खारे पानी की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको कौन सा गीजर परचेज करना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस, जो भी गीजर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी 3 लीटर कैपेसिटी और 3 किलोवाट के पावर के होंगे। अगर मैं पावर की बात करूँ तो इंस्टेंट गीजर्स गाइस 3 और 4.5 किलोवाट के वेरियंट में आते हैं, और 4.5 किलोवाट वाले गीजर 1500 रुपये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। लेकिन इन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि जहाँ 3 किलोवाट वाला गीजर 3-4 मिनट का टाइम लेगा पानी गर्म करने में, तो वहीं 4.5 किलोवाट वाला 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनीवे, डिसाइड आपको करना है। सभी गीजर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते तो कर दिया करो भाई। सो गाइस, वीडियो में जो नंबर 5 पर गीजर है वो आता है लाइफ लॉन्ग की तरफ से। ये एक 8 बार प्रेशर गीजर है और इसमें आपको 3000 वाट की पावर देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक हाई डेंसिटी वाले थिक PUF मटेरियल की आउटर बॉडी देखने को मिलती है, यानी कि आपको इसमें हीट रिटेंशन बहुत अच्छी मिलने वाली है, और साथ ही साथ ये आपको एनर्जी सेविंग में भी बहुत हेल्प करेगी। इस गीजर में आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक मिलता है और हीटिंग एलिमेंट मिलता है आपको कॉपर का। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको थर्मोस्टेट, कटआउट फीचर और सेफ्टी वॉल्व भी देखने को मिलता है। इस गीजर में पावर ऑन और हीटिंग शो करने के लिए गाइस यहाँ पर नियोन इंडिकेटर्स का यूज किया है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 2000 रुपीज के अराउंड कॉस्ट करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सही गीजर है, जितने फीचर्स होने चाहिए उतने हैं इसमें। ISI सर्टिफाइड है, 3.2 kg इसका वेट है। और गाइस, वारंटी पीरियड की बात करूँ तो इसमें आपको 2 ईयर्स ऑन टैंक, 2 ईयर्स ऑन हीटिंग एलिमेंट एंड 2 ईयर्स ऑन प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है। बट गाइस, कौन इसका एक यही है कि आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स दोनों ही फ्री नहीं मिलने वाली। लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी कौन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इंस्टेंट गीजर्स में ब्रांड्स इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स को फ्री नहीं देते, ये आपको अलग से ही परचेज करनी होती है, जो कि 300-400 रुपीज के अराउंड होती है। अगर किसी गीजर पर आपको इंस्टॉलेशन या कनेक्शन पाइप्स फ्री मिल भी रहे हैं तो उस गीजर का प्राइस ज्यादा होगा। तो अगर आपका बजट 2000 रुपीज के अराउंड है तो आप इस गीजर को कंसिडर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो गाइस, नंबर 4 पर मैंने 2 गीजर्स को रखा है, और वो इसलिए क्योंकि दोनों ही गीजर मेरे को इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया लगे। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स के साथ में आते हैं। तो 4th नंबर पर जो पहला गीजर है वो आता है क्रोमटेन की तरफ से। ये एक 6.5 bar प्रेशर का गीजर है और इसमें आपको 3000 वाट की पावर मिलेगी। गाइस, इसमें आपको रस्ट एंड शॉक प्रूफ बॉडी तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही में आपको हीटिंग एलिमेंट मिलेगा कॉपर का। इसका इनर टैंक आपको स्टेनलेस स्टील का मिलने वाला है, और साथ ही में ये गीजर एंटी साइफन प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यानी कभी कभी आपने सुना होगा कि पानी बैकफ्लो मार जाता है, तो ये एंटी साइफन प्रोटेक्शन उस बैकफ्लो को रोकेगा और आपके गीजर को भी थोड़ा सेफ रखेगा। इस गीजर के फ्रंट पर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, ये भी एक ISI मार्क्ड गीजर है। 2600 रुपीज के अराउंड इसका प्राइस है। और गाइज, इसमें आपको 4 लेवल सेफ्टी सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी आपको इसमें थर्मोस्टेट, ऑटोमेटिक थर्मल कटआउट, प्रेशर रिलीज वॉल्व और आपको एक फ्यूजिबल प्लग भी देखने को मिलेगा। और गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई भी गीजर लेने से पहले उसके सेफ्टी फीचर्स को जरूर कंसिडर करना है, जिससे आप कोई भी मिस हैपनिंग होने से बच सकें। ये गीजर 2.48 kg वे करता है, और अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स ऑन टैंक, 2 ईयर्स ऑन हीटिंग एलिमेंट एंड 2 ईयर्स ऑन प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है। लेकिन गाइज, आपको इस पर भी कनेक्शन पाइप्स और इंस्टॉलेशन फ्री नहीं दी जाएंगी। सो गाइज, नंबर 4 पर ही जो सेकंड ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो आता है हिंडवेयर की तरफ से। ये भी 3 लीटर कैपेसिटी का गीजर है। इसमें भी आपको 6.5 bar का प्रेशर देखने को मिलेगा। और गाइज, ये भी ISI मार्क्ड गीजर है, बट गाइज इसकी प्राइसिंग 2400 रुपीज के अराउंड है, और इसी वजह से मैंने इन दोनों गीजर्स को सेम नंबर पर रखा, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स के साथ में आते हैं। सो गाइज, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि आप इन दोनों में से किस गीजर को नंबर 4 पर रखेंगे। डिसाइड आपको करना है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक दम आउट। सो गाइज, अगर बात बेस्ट इंस्टेंट गीजर्स की हो रही है और उसमें बजाज स्प्लेंडोरा का नाम ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गीजर 6 bar प्रेशर के साथ में आता है और इसमें आपको 3 किलोवाट की पावर भी देखने को मिलती है। बजाज स्प्लेंडोरा में आपको ABS की आउटर बॉडी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक भी देखने को मिलेगा।
बजाज स्प्लेंडोरा गाइज इस साल का न्यूली लॉन्च्ड गीजर है, या फिर यूं कहें कि न्यूली लॉन्च्ड मॉडल है। इस गीजर में आपको थर्मल कटआउट, मल्टी फंक्शनल वाल्व और फायर रिटार्डेंट केबल देखने को मिल जाती है। तो गाइज बजाज ने सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा है यहाँ पर। और हीटिंग एलिमेंट गाइज आपको कॉपर का मिलता है। इसमें आपको नियोन इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बजाज का ये गीजर एक ISI मार्क्ड गीजर है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो ये 2.2 kg वे करता है। और गाइस प्राइस इसका 2600 रुपीज़ के अराउंड है। बट गाइस बजाज ने इस बार भी इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स इसके साथ में नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं, वारंटी भी आपको यहाँ पर सही मिल जाती है। 5 ईयर्स की टैंक पर, 2 ईयर्स की हीटिंग एलिमेंट पर, बट 1 ईयर की प्रोडक्ट पर। 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी तो दे देते। एनीवे गाइस, अगर आपको बजाज का गीजर ही परचेज करना था तो ये बजाज का स्प्लेंडोरा आपके लिए बेस्ट है। 2600 रुपीज इसकी प्राइसिंग है, आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सही गीजर है। सो गाइस नंबर 2 पर जो गीजर है वो आता है हैवेल्स का इंस्टेनियो। ये एक 6.5 बार प्रेशर का गीजर है और इसमें भी आपको 3 किलोवाट की पावर देखने को मिलेगी। इस गीजर में गाइस ABS मटेरियल की बॉडी देखने को मिल जाती है। ABS मटेरियल गाइस एक टाइप की प्लास्टिक ही होती है, बट वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। अगर हम हैवेल्स के इस गीजर की बात करें तो गाइस इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक मिल जाता है और साथ ही में आपको कॉपर का हीटिंग एलिमेंट भी मिल जाएगा। इस गीजर के फ्रंट पैनल पर आपको एक LED का इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक कलर चेंजिंग इंडिकेटर है, जो ब्लू से ऑरेंज हो जाता है जैसे जैसे पानी गर्म होता है। और गाइस दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको फायर रिटार्डेंट कोड, थर्मोस्टेट, थर्मल कट ऑफ एंड मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वॉल्व भी मिल जाता है। अब गाइज अगर आपको मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वॉल्व के बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर नहीं भी पता है तो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। हैवेल्स का ये गीजर ISI मार्क्ड गीजर है। ये 3 kg वे करता है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो गाइज यहां पर 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर्स की टैंक वारंटी मिलती है। और गाइज इसकी प्राइसिंग 3645 रुपीज़ के अराउंड है। और गाइज अगर आप इतना पे कर ही रहे हो तो यहाँ पर हैवेल्स की तरफ से आपको इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स फ्री दी जाएंगी। तो गाइज जो लोग बाहर से इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करवाना चाहते उनके लिए बेस्ट है, वो इसे ज़रूर कंसिडर करें। सो गाइज फाइनली जो बेस्ट इंस्टेंट गीजर्स की लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करता है वो आता है AO स्मिथ की तरफ से। और गाइज ये गीजर मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करूँगा जिनके यहाँ खारा पानी आता है, यानी हार्ड वाटर आता है। क्योंकि गाइस AO स्मिथ के इस गीजर में आपको एनोड रोड देखने को मिलती है, जो कि हार्ड वाटर कंडीशंस में बहुत ही यूजफुल होती है। अगर गाइस आप एनोड रोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप मेरी बाकी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है ये क्या है, कैसे वर्क करती है, और जो भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। AO स्मिथ के इस गीजर में भी गाइस आपको ABS मटेरियल की बॉडी देखने को मिलेगी। और गाइस हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर मिल जाता है इंकोलॉय का। अब गाइज एक और अच्छी बात जो इस गीजर में वो ये है कि इसके हीटिंग एलिमेंट और इसका इनर टैंक दोनों ही ग्लास लाइंड कोटेड हैं, यानी कि इसके हीटिंग एलिमेंट और इनर टैंक पर कोरोजन का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही ये फीचर इस गीजर की लाइफ भी इंक्रीज कर देता है। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो गाइज इसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है। ISI मार्क्ड गीजर है ये। और गाइज इसमें आपको थर्मोस्टेट भी देखने को मिल जाता है। ये गीजर वे करता है 4.2 kg। और गाइज अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 3150 रुपीस का कॉस्ट करेगा। वारंटी भी गाइज आपको यहां पर बहुत ही अच्छी मिल जाती है। 5 ईयर्स ऑन टैंक, 3 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट एंड 2 ईयर्स वारंटी ऑन प्रोडक्ट। बट गाइज इसमें एक यही कौन है कि इतना प्राइस होने के बाद भी AO स्मिथ ने इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स फ्री नहीं दिए हैं, ये आपको अलग से ही परचेज करनी होंगी। AO स्मिथ गाइज मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर का इशू है। अगर हार्ड वाटर का इशू नहीं है तो आप बजाज की तरफ भी जा सकते हैं, स्प्लेंडोरा की तरफ, जो कि 2600 रुपीस का है। आपको इंस्टॉलेशन वगैरह लगा के वो 3000 रुपीस के अराउंड ही बैठ जाएगा। और अगर आपका बजट उतना भी अलाउ नहीं कर रहा है तो आप क्रॉम्पटन या लाइफलॉन्ग की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया गीजर है उस रेंज में। और गाइज अगर आप AO स्मिथ में भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह ऐड कर देते हैं तो ये भी आपको 3500 रुपीस के अराउंड पड़ जाएगा। बट गाइज अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर का इशू है तो आप AO स्मिथ ही लें, अदरवाइज आप हैवेल्स को कंसिडर करें। और गाइस तब भी अगर आप इन गीजर्स में से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने अदर गीजर्स के भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस गीजर्स से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछें। सो गाइस जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और गाइस शेयर कर देना अपने दोस्तों में। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप बाइंग।